What's up? I hope you guys are all fine. तो अभी फिलहाल मैं हूँ सागर में और ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो मैं अपने एग्जाम्स वगैरह देने में बिजी हूँ। अपना जो पेपर है उनमें 2-3 दिन के गैप थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। और मेरे साथ है सत्यम भाई और हम दोनों यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और फिलहाल हम लोग अभी आए हैं पार्क में। वैसे तो अपन जगह है, कैसी जगह है? काफ़ी अच्छी जगह है, भाई का मन था यहाँ घूमने का तो मैंने सोचा भाई को कुछ घुमाते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे रील्स रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसी 2-4 रील बनाई हैं और बस भाई पोस्ट कर देंगे तो आप देख लेना, वो तो मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगी। और यहाँ का व्यू देखो, फकिंग इनसीन बढ़िया जगह है, देखो रेलवे ट्रैक पे। तो हम जा रहे हैं रील रिकॉर्ड करने के लिए रेलवे ट्रैक पे, लेट्स गो। मैंने सोचा कि खेती किसानी की काफ़ी सारी रील बन चुकी हैं और मैं वो बनाता ही रहता हूँ कुछ 2-4 पड़ेगी। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। खेत चल रहा है, ज्यादा हार्ड खेत नहीं है, अच्छा खेत है, थोड़ा बहुत हार्ड है कहीं कहीं। और इसमें अभी अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी अभी ट्रैक्टर पर बैठा हूँ और इसका जो टेम्परेचर मीटर है ये थोड़ा हाई है, तो ऐसे में अपन पानी वानी तो भर नहीं सकते ना उसके मतलब रेजिलेटर के अंदर। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक तो इसका फिल्टर साफ कर सकते हैं, फिर एक बाल्टी पानी लेके इसके रेजिलेटर में मार सकते हैं, और अगर इसके रिजर्वोयर में पानी कम होगा तो अपन वो पानी में डाल देंगे। तो मैं यही चीज़ देखने के लिए आया था कि भाई कैसा चल रहा है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। और एक आँच फोड़ दिया अपने ड्राइवर ने, इस मीटर को रीसेट कर रहे थे वो लोग, तो उनने उससे पाना से सेट कर इसको दबा रहे थे, दब नहीं रहा था तो उन लोगों ने इसको पाना से दबाया तो वो यहाँ टकरा गया। तो चलो इन मीटर को घटा देते हैं, मुझे अपने 4 डंडे बता रहा, 4 यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है। फिलहाल तो इसका एयर फिल्टर साफ करते हैं, इसके रेगुलेटर में एक बाल्टी पानी मार देते हैं और रिजर्वोयर में पानी डाल देते हैं, और उसके बाद अपन अपने खेत पे भी चलेंगे। वहाँ पे जाके अपने मूंग की कंडीशन देखनी है, कुछ मूंग 1 महीने की हो गई है, कुछ मूंग 20 दिन की हो गई है, कुछ 25 दिन की हो गई है और कुछ 15 दिन की भी है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसी क्या अपनी मूंग की कंडीशन है। वैसे अब जो है दूसरा पानी, इस पानी के बाद उसकी कंडीशन अच्छी इम्प्रूव होगी, पर चलो मैं आपको दिखा तो दूंगा ही कि कैसी क्या कंडीशन है। ये देखो आपको बेड बनते दिखाई दे रहे होंगे, इसकी जो टॉपलिंग है उसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ये टॉपलिंग भी थोड़ी ज़्यादा खुली है, इससे क्या हो रहा है कि जो पीछे वाला है वो ज़्यादा धंस रहा है, आगे वाला कम धंस रहा है। यहाँ पे सीवर लाइन का पानी आ रहा है, तो इधर लाइन खुदी है तो इधर देखना आप ट्रैक्टर कैसे करेगा। इधर क्या है क्रिपनी बनती है अंदर से, मिट्टी ऐसे ही है तो राउंड ट्रैक्टर टायर घूमते तो मिट्टी पीछे की तरफ मूव कर जाती है। 4 बता रहा हूँ,
तो यहाँ से निकल चुके हैं और अब अपन जा रहे हैं अपने खेत धूप क्लियरिटी से चेक करने के लिए। और जो अपना ये मेसी ट्रैक्टर है इसको आए हुए लगभग 3 से 3.5 महीने हो गए होंगे और 500 घंटे से प्लस चल चुका है। मतलब 1 महीने में अपना ट्रैक्टर चलता हुआ 100, 120, 130 घंटे लगभग 150 घंटे तक चल जाता है 1 महीने में। तो आप भी कमेंट में बताओ कि भाई आपके यहाँ पे आपका ट्रैक्टर 1 महीने में कितना चल पाता है और कितना आप चलाते हो, तो 100 घंटे चलाते हो, 150 घंटे चलाते हो या 200 घंटे चला देते हो। जैसे वो अपने रीपर वाला है तो रीपर वाला चल जाता होगा 200 घंटे 1 महीने में, पर वो सीजन सीजन पर चलता है, ये सदा सदा चलता है। तो बना है खेत और अपन यूरिया के साथ ये मिला के देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे लाडू का। इसके अंदर ये देखो ये 4-5 प्रोडक्ट चीज़ें होती हैं। ये देखो CBS एक्सट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड। लो जी सर चेक करो, अभी इस मूंग में अपन दे रहे हैं पहला पानी। मतलब एक अपन ने जब सूखे में बोनी करी थी और उसको उगाया था और अभी तक इसमें पानी नहीं दिया है। इधर जब गन्ने में पानी दे रहे थे थोड़ा सा पानी इधर आ गया था और बाकी कुछ ऐसी कंडीशन है। अच्छा खासा स्ट्रेस हो गया है, अच्छा खिंचाव हो गया है पानी का। लगभग इसकी बोनी बन गई थी 18 तारीख को और 22 तारीख के समथिंग इसमें पानी हो पाया था। आज है 16 तारीख तो 22 तारीख से 8 दिन वो और 16 दिन ये, तो अपने होगा 24 दिन। आज 24 दिन हो गए इसको, उसके बाद अपन पानी दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशन है और यहाँ पे कुछ सूख भी गई है, ये पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। और ऐसी कंडीशन है लगभग 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 लगभग 12 से 15 पत्ते हो गए हैं एक प्लांट में। और अब जाके अपन इस पर पानी दे रहे हैं और वो यूरिया डाल रहे हैं और उसके साथ वो लाटू। और मैं 5 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट चेक कराऊंगा कि 5 दिन में क्या डिफरेंस आता है। बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। देखो भाई जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल गया है, गन्ने पे पानी हुआ तो यहाँ पे पानी मिल गया, तो कंडीशन बहुत बेहतरीन है। मच्छर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत सफ़ेद मच्छर है और नीचे वाले पत्तों में कुकड़ा है, पर ऊपर वाले पत्ते स्वस्थ हैं। इल्लियाँ वगैरह मुझे नहीं दिख रही हैं, गन्ना वगैरह भी ठीक है। और वहाँ का गन्ना थोड़ा बहुत सूख रहा है तो उसको देखना पड़ेगा। ये वाला गन्ना तो ठीक है पर इसमें एक रोग है जो कि मुझे अभी अभी दिखा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो तना है देखो ऐसा हो गया है। देखो भाई ये पूरा अंदर से ऐसे ही हो गया होगा। अब ये आधा हुआ है इधर से, ठीक है, ऊपर से होना स्टार्ट हुआ है, नीचे तक होगा। ये वाला भी है, ये देखो देखो, पर अपन इस पे कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये दिक्कत हमें हर साल आती है पर हम इस पे कोई भी स्प्रे नहीं करते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है, 2-4 पौधों में होती है और उसके चक्कर में अपन पूरे खेत में स्प्रे कर देंगे तो अपने जो मित्र कीट है वो मर जाएंगे। अगर मित्र कीट मर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर अपने लिए बार बार स्प्रे करना पड़ेगा। एक साल की फसल है इसमें लगभग 30-40 स्प्रे हो जाएंगे, तो ऐसा अपन नहीं कर सकते, तो इसलिए स्प्रे नहीं करते हैं। जो भी होता है सब मित्र कीटों की दम पे होता है, 1-2 बीमारियाँ लगती हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, पानी के साथ सब ठीक हो जाता है। और अब अपन चलते हैं सोयाबीन देखने के लिए कि सोयाबीन की कैसी क्या कंडीशन है। बस कुछ ही दिनों का बचा है अपना सोयाबीन, थोड़ा समर गर्मियों के टाइम पे थोड़ा जल्दी आ जाता है, जैसे 90 दिन का है तो वो 85 दिन में आ जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में अपनी सोयाबीन की थ्रेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो जी ये सोयाबीन,
लो जी सर, ये अभी इसमें ऐसे हिंच लगेगी। अब इसकी ओरिजिनल हिंचाई है, ये देखो। तो इसको लगा देते हैं और अभी इसकी करनी है सर्विस, क्योंकि ये 300 घंटे प्लस चल गया है। तो सर्विस का सब सामान आ गया है, चारों फिल्टर आ गए हैं, दो ऑयल फिल्टर, दो डीजल फिल्टर। तो इसका जो ऑयल है उसको फटाफट से निकाल लेते हैं और पीछे वाले टायर में उस टायर को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं और इस टायर को ऊंचा कर देते हैं और फिर इसका ऑयल है वो निकाल देते हैं। हाँ, इट्स द नेक्स्ट डे और अभी मेसी की चल रही है माइनर सर्विस और मुझे आज निकलना है सागर के लिए वापस। तो सॉरी, अब ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो मैं दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पर रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे जो मैं सागर में करूँगा, तो वो आप देख लो। और फिलहाल आज मेरा पेपर है 2 बजे से, तो बस मैं थोड़ी देर से निकल ही रहा हूँ। पढ़ाई वगैरह मैंने थोड़ी बहुत कर ली है, एक रात में मैं सिलेबस कंप्लीट कर ही लेता हूँ। तो चलो बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, मीट यू इन द ओई न्यूटन चैनल। आप ओई न्यूटन सर्च कर लो या फिर यूट्यूब पे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा।